हाल ही में हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में आईडीएफ के ग्लिलॉट बेस पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। हिजबुल्ला के लिए ये अटैक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस सैन्य अड्डे पर इसराइल की यूनिट 8200 का हेडक्वार्टर था। आईडीएफ की ये यूनिट हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाने और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में माहिर है, लेकिन ग्लिलॉट बेस पर हिजबुल्ला ने ड्रोन हमला करके आईडीएफ को एक बड़ी चोट दी थी। इसके अलावा एन शेमर एयरबेस पर भी हिजबुल्ला ने हमला किया था। हालांकि उस वक्त ये साफ नहीं हुआ था कि इस हमले में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अब लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने यूरोपीय सूत्रों के हवाले से कहा है कि हिजबुल्ला का ये हमला एकदम सटीक और सफल रहा है, और इस हमले में आईडीएफ के 22 जवान मारे गए जबकि 74 से अधिक सैनिक घायल हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार है जब हिजबुल्ला के किसी हमले में आईडीएफ को इतनी बड़ी चोट पहुंची है। आपको बता दें कि इस हमले से पहले आईडीएफ ने 30 जुलाई 2024 को एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फौज शुक्र को मार गिराया था। शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला ने यह हमला किया था। हिजबुल्ला ने इस हमले को ऑपरेशन अरबेन का नाम दिया था। और ऑपरेशन अरबेन को लेकर हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने जनता को संबोधित भी किया था। नसरल्ला ने अपने संबोधन में कहा था, ग्लिलॉट बेस लेबनान की ब्लू लाइन से 110 किलोमीटर दूर है और कब्जे वाले फिलिस्तीन और तेल अवीव की पेरिफेरी से 1500 मीटर की दूरी पर है। यह तेल अवीव के बिल्कुल बाहर है। वहीं एन शेमर एयरबेस लेबनान से 75 किलोमीटर और तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूर है। नसरल्ला ने आगे बताया कि यह हमला दो चरणों में किया गया। पहले चरण में उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में हजारों रॉकेट से मिलिट्री साइट्स और बैरक्स पर हमला किया गया, जिससे आयरन डोम और इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाए, ताकि दूसरे चरण के हमले का रास्ता साफ हो, जिसमें ड्रोन्स के जत्थे को लक्षित टारगेट्स पर दागा गया। नसरल्ला ने बताया कि ये ड्रोन सैन्य टारगेट्स पर दागे गए थे। ये वो टारगेट्स थे जो फौज शुक्र की हत्या से संबंधित और कब्जे वाले इलाके में काफी भीतर और तेल अवीव से करीब थे। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने 12 सितंबर 2024 को उत्तरी इसराइल पर करीब 100 रॉकेट दागे थे। इनमें से 30 रॉकेट अल जलील पेनहैंडल पर, जबकि 60 रॉकेट उत्तरी इसराइल की तरफ फायर किए गए थे। हिजबुल्ला इसराइल के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है, आईडीएफ इस बात को बखूबी समझती है। इसको लेकर इजरायली रिजर्व मेजर जनरल यिट्ज़ैक ब्रीक ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्ला के साथ युद्ध का विस्तार इसराइल के लिए तबाही ला सकता है। चैनल 12 को दिए गए एक इंटरव्यू में ब्रीक ने कहा, मौजूदा समय में सबसे खतरनाक झूठ फैलाया जा रहा है। अगर सेना हिजबुल्ला के ऊपर हमला करती है तो इसराइल के लिए एक बड़ी तबाही ला सकती है। मेजर जनरल ब्रिक का मानना है कि इजरायली सेना काफी छोटी है और वो 6 डिवीजनों में बटी हुई है। उसके लिए हमास को मिटाना मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा गाजा में मौजूद नहीं रह सकती, और ऐसे में अगर लेबनान के साथ युद्ध होता है तो आईडीएफ के सामने कई परेशानियां आएंगी।